बड़ी खबर, बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने लालू की पार्टी के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव पर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के बाद डीआईजी ने विधायक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पहले उसे अगवा किया गया, उसके बाद उससे बलात्कार किया गया। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या आरोप लगाए गए हैं विधायक पर? देखिए, विधायक पर यह आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है। दरअसल ये इस नाबालिग लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाली सुलेखा देवी नाम की एक महिला ले गई थी बर्थडे पार्टी में ले जाने के नाम पर। हालांकि लड़की का कहना है कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया और बाद में जब वहां पर उसके साथ बलात्कार हुआ, उसने पुलिस को जो जानकारी दी, पुलिस ने छानबीन की, तब ये पता चला कि ये विधायक का घर था राजवल्लभ यादव का। और जब उसे तस्वीर दिखाई गई तब ये पता चला कि ये तस्वीर राजवल्लभ यादव की है। फिलहाल पुलिस ने सुलेखा देवी के पति को अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया है नालंदा से। सुलेखा देवी और उसकी माँ दोनों इस मामले में नामजद अभियुक्त हैं। उन दोनों तारीख के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आप नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले पर क्या जानकारी दी, अभी तक की तफ्तीश के बाद क्या पता लग पाया, इस बारे में सुनते हैं। के बयान पर रेप का केस रजिस्टर हुआ है महिला थाना में और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो एविडेंस अभी तक सामने आया है, उसमें एक केस अभी तक ट्रू प्रतीत हो रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है। हम लोग इसको सत्य मान के आगे चल रहे हैं और आगे की सारी कार्रवाई उसी आलोक में की जाएगी। बच्ची का स्टेटमेंट लिया गया है एसपी साहब द्वारा, आज मेरे द्वारा भी उसका बयान लिया गया है। बच्ची ने उस मकान को पहचान लिया है आयु के साथ जाकर कि जिस मकान में घटना कारित की गई और जिस व्यक्ति ने घटना कारित की है उसको भी वो पहचान रही है। आवश्यक कार्रवाई इसको सत्य मानते हुए आगे की जाएगी पुलिस द्वारा। मैंने इस संबंध में विस्तृत निर्देश हमारे एसपी को दिए हैं, एसडीपीओ को दिए हैं और आगे कार्रवाई करने के लिए नालंदा पुलिस सक्षम है और आगे कार्रवाई की जाएगी।